इस वक्त की बड़ी खबर है संजय गांधी अस्पताल से, जहां सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। आक्रोशित परिजनों ने जमकर हंगामा किया है, वहीं चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। घटना की जानकारी लगते ही भारी मात्रा में पुलिस पहुंची है, जो समझाइश दे रही है। आपको बता दें कि लगातार संजय गांधी अस्पताल में इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं पूरी घटना और सुनाते हैं परिजनों ने किस तरह से गंभीर आरोप लगाए हैं। छुट्टी ला लाए
घटना इनका एक्सीडेंट हुआ। हम सुबह 10-12 बजे से यहाँ एडमिट करे हैं। हम लेके आए हॉस्पिटल में पर्ची, यहाँ सरकारी में पहले एक पर्ची बताते ये कटवाओ, जब वहाँ ले जाते दूसरी कटवाओ, तीसरी पूछते तुम्हारा बाप खाता क्या था, तीसरी पूछते तुम्हारा बाप पीता क्या था, चौथी पूछते तुम्हारे बाप को रोग क्या था। हमारे बाप को कोई रोग नहीं था, एक्सीडेंट हुआ था, 2 साल पहले भी हुआ था, अभी भी हुआ है। भारतीय के 1 बजे हुए हैं। डॉक्टर तू तेरा बाप तू मैं बात करके डॉक्टरों की लापरवाही से ये बोलते चलते मतलब सांसे आ रही थी जैसे कोई दुश्मन उश्मन है। और डॉक्टर बोले रिपोर्ट हम बोले करिए आप लोग क्या समझ आ रहा है, बच्चों को रखे यहाँ डॉक्टर कोई नहीं आया, हम लोग बहुत छुट्टी मांगे हाथ जोड़े थे, छुट्टी दे दीजिए, छुट्टी दे दीजिए, मेरे बाप को मार डाल दे, झूठ बोल के रखे थे, हमको दिए इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए मेरे बाप, इंसाफ इंसाफ, ये डॉक्टर ये पुलिस वाले कर देना। बाथरूम लगी थी एक घंटे से बोल के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे यहाँ की यूजीपीजी के लड़के एक्सपेरिमेंट कर, अभी आ रहा है, अभी ऐसा होगा, कोई नहीं आया, कोई भी बड़ा डॉक्टर नहीं आया, सिर्फ यूजीपीजी में किस नाम का ये डॉक्टर है, ये सिर्फ पेमेंट लेने के लिए है कि अदर किसी के लिए है डॉक्टर, ये बताइए वो मैडम को, मैडम डॉक्टर तो भगवान होता है ना, लेकिन डॉक्टर को ईगो से बात नहीं करनी चाहिए कि हटो इधर से मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक है, अगर पेशेंट को मरने वाला था ना तो उसको बताना चाहिए, जांचे करते हैं हम नॉर्मल थे, संजय गांधी में कुछ नहीं होता, यहाँ रिपोर्ट घूम के आती पर डॉक्टर कंसल्ट कर रहे हैं, रिपोर्ट आ रही है, रिपोर्ट आ रही है, तुमने बताया क्यों नहीं पहले, जब आपकी कंडीशन नॉर्मल थी। रेफर के लिए कुछ नहीं बताया गया, सीधे बोला गया नॉर्मल है, ठीक है, एक लड़का मुझे चाहिए, आप लेटर हो, बात की थी, बड़े डॉक्टर है, कोई डॉक्टर नहीं, वहाँ का एक लड़का जिससे हमने बात किया था, हमने उससे पूछा भैया इंसानियत के नाते बताइए हमें कि हम क्या करें, हमारी जो हैसियत हुई जैसे हम जाके एडमिट चाहे रीवा हॉस्पिटल, हम प्रार्थना हॉस्पिटल गए, रीवा हॉस्पिटल में जा रहे हैं, हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं। सर सर आप बात नहीं यार, मैं प्राइवेट में दिखाने चला सामने वाले का बोला रिटायर हो देखूंगा, देखता देखता करके जेड बॉडी देती है, अब क्या करूं सर, मैं मंत्री जी से बोलना चाहता हूँ वो आए और 2 मिनट हम लोग की बातें सुने, बस इतना मुझे चाहता हूँ, बाकी कुछ भी नहीं, बात करेंगे 2 मिनट बात कर सकते हैं, बात कर रहे हैं, बात चाहिए मुझे, इंसाफ चाहिए, बस अभी आप लोग क्या चाहते हैं, अभी आप लोग क्या चाहते हैं, हमें हमारा बाप चाहिए, नहीं तो सुनिए मेरा बाप मरा है ना, उन डॉक्टरों का मेरे बाप के बॉडी में उन्होंने सीखा है, नहीं मेरा बाप मरा है, मेरे बाप में एक्सपेरिमेंट हुआ है, वो अपने बाप में एक्सपेरिमेंट करे, टोटल डॉक्टरों की गलती, मंत्री मिनिस्टर जो मेन डॉक्टर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मोदी जी से भी हमारा यही है, मेन डॉक्टर क्लिनिक ये मेरा बाप चाहिए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, डॉक्टर नहीं आए हैं, जाके 500 रुपया 1000 रुपया फीस लेते हैं, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर चाहिए जो हमारे बाप साथ है, वो हमारे सामने है, वो बात करनी है, करवाते हैं, बाहर निकाले हमको, मुझे इंसाफ चाहिए, फोन कर रहा था, हाँ सर मैंने ऐसा कर दिया, वो ऐसा कर दिया, प्रॉब्लम आ रहा है।